ये YouTube करियर जब मैं स्टार्ट करा था, जब मैं अपना YouTube, everybody in my house was against this, but सबने बोल दिया था कि ये सब मत कर बेटा, ये सब में कुछ नहीं रखा है। So I come from a family, मेरे दादाजी, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे ताऊ, ठीक है, मेरे दादाजी के भाई, मेरे दादी के भाई, everybody is into army भाई, and I am the first person in my entire family that is not into army, that is not into paramilitary, that is not into NDA, ठीक है। And you know what, जब मैंने ये decision लिया, जब मैंने 12th pass out करा, सबसे पहले मेरे को PCM लेनी नहीं थी, but I was forced to take PCM, तो मैंने ली, मैंने करी, मैंने pass out करा। मेरी मम्मी को पता था कि इसका मन नहीं है ये सब करने में, but still उन्होंने insist करा कि अभी science ले ले, बाद में तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तेरे को पता है। मैंने JEE भी दिया है, पूरी स्टोरी सुनो। तो मैंने apparently PCM ली, PCM जब मैंने ली ना, तो मेरे घर वालों ने मुझे स्कूल से निकाल के एक नई बला में डाल दिया। अगर तुम लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा है, तो कोटा फैक्ट्री में क्या है, यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, यू जस्ट गो टू कोचिंग एंड तुम्हारी प्रॉक्सी लग जाती। वही था मेरा, मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं कोचिंग जाता था। भाई मेरी जो गांड लगती थी ना, मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, आई वॉज नेवर इन टू स्टडीज भाई, बट मेरे को फोर्सफुली वो पढ़ना पड़ा ताकि मैं पास हूँ। 12th में ये 70%, जिसमें PCM प्लस कंप्यूटर साइंस, भाई आउट ऑफ एवरीथिंग मैंने PCM प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस इंग्लिश ली थी भाई। फिर मैं जब 12th पास आउट करा और मेरा एडमिशन की बात आई कि अब क्या करना है तुझे, मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में, व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड फॉर मी आई वांटेड टू कंटेंट क्रिएशन, मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना था अभी हमेशा के लिए। एंड आई टोल्ड देम कि यार मुझे ना कंटेंट क्रिएशन करना है। मेरी मम्मी ने बोला बेटा कर, बट साथ में ऐसा कुछ भी तो कर जो फैक्चुअल हो, जो एक्चुअली तुम्हें, अगर ये कंटेंट क्रिएशन नहीं चला तो कुछ और भी तो होना चाहिए तेरी जिंदगी में जो तू करे। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला आपको मेरे पे विश्वास है कि नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला मुझे तो विश्वास है, क्या तेरे पापा को तेरे पे विश्वास है। तो पापा ने मुझे बोला कि तू जाके बीटेक कर, देख तू आर्मी में मत जा, तेरे को नहीं जाना आर्मी में, तू मत जा, पर सेफ साइड के लिए तू बीटेक जा, बीटेक कर। तो भाई ने लिया बीटेक में एडमिशन, और तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने बीटेक में एडमिशन लिया और मैं वहां कॉलेज गया, और कॉलेज में मैंने 3 या 4 दिन बीटेक की क्लास ली, और पांचवें दिन दोस्तों फिफ्थ डे आई टुक ऑफ, मैंने बहनचोद मैंने छोड़ दिया, आई ड्रॉपड आउट, एंड मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट उठाए और उसी कॉलेज में मास कम्युनिकेशन जाके अपना एडमिशन करा दिया। देयर वाज दिस कोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंड आई वेंट देयर, एंड मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया भाई। मेरे घर वालों को पता ही नहीं चला, एंड अनटिल एंड अनलेस आई टोल्ड देम अबाउट दिस कि यार मैंने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया, एंड दे वर एज शॉक्ड एज एवरीवन। सो दिस थिंग, ओके, कि मैंने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, मैंने जेई भी छोड़ दिया, मैंने बीटेक भी छोड़ दिया, मैंने आर्मी भी छोड़ दी, तो मेरे घर वालों को बहुत धक्का लगा कि फक भाई ये लड़का अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है। तो मेरे साथ मतलब मेरी फैमिली मेंबर्स जो थे, मतलब अपेरेंटली मेरी मम्मी के साइड के और मेरे पापा की साइड के बहुत रिश्तेदारों ने हम लोगों से बात करनी बंद कर दी, आपका लड़का जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो एकदम पागल हो गया है, उसको पता नहीं है अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। तो वहां पे सिर्फ एक चीज थी भाई, एक चीज थी मेरे दिमाग में कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इन सबको रॉन्ग प्रूव करूंगा भाई, जब मैं इन सबको दिखा दूंगा कि मैं एक्चुअली में आई हैव दिस थिंग इन माइंड एंड आई वांट टू डू दिस। सो आई जस्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ आर्मी, एंड आई वेंट स्ट्रेट टू दिस मास कम्युनिकेशन, एंड वहां पे भी मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने कॉलेज जाना बंद कर, मैं कॉलेज नहीं जाता, मैं यूट्यूब पे हसल करने लगा, और उसमें भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरा ना यूट्यूब चल रहा था उस टाइम पे, ना मेरा कॉलेज चल रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज भी नहीं जाता था। मैंने एडमिशन ले लिया मास कम्युनिकेशन में, पर मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगी पढ़ाई, तो मैंने कॉलेज भी जाना बंद कर दिया। मैं अपने रूम पे वहां पे रेंट लेके वहां पे रूम पे रहता था, मेरे साथ आदर्श रहता था, इज आर्मी एक्सेट्रा इज अ रिस्पेक्टिव वर्ड, लाइक देख भाई आर्मी अपनी जगह है, आईएएस अपनी जगह है, बीटेक अपनी जगह है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं भाई, मेरा मन नहीं था करने का तो मैंने नहीं करा, मेरा मन होता तो मैं करता, मेरा मन जो है तो मैं वो करूंगा ना भाई। अब मैं किसी का भी सोच के अगर मैं अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीज करूं जो जिसमें मैं खुश, अपेरेंटली मैं कर सकता हूं वो चीज, मैं करूंगा, बट क्या मैं उसको लॉन्ग टर्म तक करूंगा, नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स ये बात है, एक ना एक टाइम पर मेरा इंटरेस्ट उस चीज से चला जाएगा भाई। तू कुछ भी कर रहा है भाई, तू एक 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 कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है भाई, तुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद थी, तेरे दोस्तों को पसंद है, तूने खरीदी, तू एक घुट पिएगा अपने दोस्तों को फील गुड कराने के लिए, तेरे दोस्त तुझे फोर्स कर रहे हैं दारू पीने के लिए, बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, पिएगा भाई तो एक घुट पिएगा, पर उसके बाद तू नहीं पिएगा, क्यों, क्योंकि तुझे पसंद नहीं है, तुझे सिर्फ उतना कंज्यूम करना है जितने में तेरे दोस्तों को लगे चलो हाँ इसने हमारी बात रख लिया, बाकी तुम्हें भी तो देखना है कि तुम्हारी खुशी किसमें है भाई। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना अपनी गांड मत बनाया, देखो भाई सही है कि तुम दूसरों को खुश करते हो, तुम पीपल प्लीजिंग लोग हो, तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग तुम्हारे आसपास रहे तो खुश रहे, पर यह बात है कि जब तक तुम खुद से खुश नहीं हो ना, तब तक तुम दूसरे को भी खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है।
तो ऐसा मत करा करो कि भाई किसी और को खुश करने के चक्कर में तुम ऐसा काम करो जिससे तुम दुखी हो, तो तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में एक लूप में फंस जाते हो और दूसरा तुम्हारा इस्तेमाल करके चले जाते। तुम्हें ना बोलना आना चाहिए, सबसे पहली चीज ना बोलना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ना बोलना आना चाहिए। जिस दिन तुम्हें ना बोलना आ गया ना, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है भाई।